हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जय हिंद। आज हम लोग डीएसओ के मोड्स ऑफ ऑपरेशन देखने वाले हैं, साथ ही साथ में हम लोग कुछ और भी है जो देखने वाले हैं, जैसे कि एक्विजिशन मेथड देखेंगे, ठीक है। देन ऑटोमेटिक मेजरमेंट किस तरीके से डीएसओ के अंदर होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज है ऑटोमेटिक मेजरमेंट में, वो हम लोग देखेंगे आज, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ डीएसओ से। सो मोड्स ऑफ ऑपरेशन की अगर मैं बात करूं तो किस किस टाइप के मोड्स ऑफ ऑपरेशन अवेलेबल है डीएसओ में, तो तीन टाइप के मोड्स ऑफ डीएसओ ऑपरेशन अवेलेबल है। सबसे पहला मोड है रोल मोड, दूसरा मोड है उसका स्टोरेज मोड, और तीसरा मोड है उसका होल्ड और सेव मोड। तो ये तीनों मोड में हम लोग डीएसओ से ऑपरेशन करवा सकते हैं, ठीक है। इस तीनों मोड में ऑपरेशन होता है डीएसओ का। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं रोल मोड के बारे में। तो ये जो मोड होता है वो हमारा फास्ट वेरिंग सिग्नल को ऑब्जर्व करने के लिए यूज होता है ना। तो इस मोड में क्या होता है कि इनपुट सिग्नल जो है वो हमेशा आपका ट्रिगर नहीं होता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे सिग्नल में चेंजेस हो रहे हैं, फास्ट चेंजिंग हो रहे हैं सिग्नल के अंदर, वो हमारा डिस्प्ले होगा स्क्रीन के ऊपर, अगर यही चेंज जो हमारा स्लोली हो तो, ठीक है। देन ये जो रोल मोड में क्या होता है कि स्टोर्ड सिग्नल होता है वो हमारा अक्रॉस द स्क्रीन रोल होता रहता है। रोल का मतलब है एक लुढ़कना। रोल का मतलब क्या होता है? लुढ़कना। तो स्क्रीन पे कहां से कहां लुढ़कता है? राइट से लेफ्ट। इसीलिए ये जो है रोल मोड में हमारा सिग्नल का जो बिहेवियर रहेगा वो वेरी स्लो रहेगा, मतलब स्लो मूव करेगा, धीमे धीमे लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। दूसरा मोड है उसका स्टोर मोड। ये स्टोर मोड हम लोग कॉमनली यूज करते हैं और इसको हम लोग रिफ्रेश मोड के तौर पे भी जानते हैं, ठीक है। एक बार आपकी पल्स जो है वो ट्रिगर हो जाती है, ठीक है, और वो ट्रिगर पल्स आपकी हम लोग क्या कर लेते हैं, फेच कर लेते हैं, तब हमारी मेमोरी में राइट साइकिल जो है वो हमारी इनिशिएट हो जाती है, और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्या करता है, हमारा जो भी इनपुट सिग्नल है उसको कन्वर्ट कर देता है डिजिटल कोड के अंदर, और ये जो डिजिटाइज डेटा है वो हमारा मेमोरी में स्टोर रहता है, ठीक है। जब तक वो मेमोरी फुल नहीं हो जाती या फिर हम उसे डिलीट नहीं कर देते, तब तक आपका ये जो डेटा है वो हमारा मेमोरी में स्टोर रहेगा। और जब आपकी मेमोरी फुल हो जाती है तब ये जो मेमोरी राइट वाली साइकिल है वो आपकी स्टॉप हो जाएगी, और जो डिजिटल स्टोर आपका सिग्नल है वो हमारा वापस से एनालॉग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, है ना। और ये जो सिग्नल है आपका, वो आपका सिग्नल स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। ये प्रोसीजर जब तक चलेगी जब तक हम लोग नेक्स्ट कोई ट्रिगर पल्स हमें नहीं मिलती, और जैसे ही हमारी नेक्स्ट ट्रिगर पल्स हमारी रिसीव होगी तो ये जो मेमोरी है स्टोर मोड की जो मेमोरी है वो आपकी रिफ्रेश हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि आपकी पुरानी जो डेटा है वो डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और नया डेटा आपका स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये जो ट्रिगर सिग्नल है ये आपका स्टॉप हो जाता है तो राइट साइकिल भी हमारी स्टॉप हो जाएगी, लेकिन ये जो सिग्नल है उसका रीड होना वो कंटिन्यूअस रहेगा, और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर जो है वो वापिस से जो पुराना डेटा है उसको रीरीड करेगा मेमोरी में, और उसी चीज को वापिस से स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेगा। तो ये था दूसरा मोड हमारा डीएसओ का स्टोर मोड, ठीक है। तीसरा मोड है हमारा होल्ड या फिर सेव मोड। तो यहाँ पे मॉडर्न डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप में क्या होता है कि ऑटोमेटिक रिफ्रेश सिस्टम होती है अवेलेबल, कि जब भी हमारा नया कोई सिग्नल आ रहा है, नया कोई स्वीप सिग्नल आ रहा है और फ्रॉम दी टाइम बेस्ड सर्किट, तब हमारा न्यू कंटेंट जो है वो पुराने कंटेंट के ऊपर ही रीराइट हो जाता है ना, रीराइट हो जाता है, ठीक है। अगर हमें जो पुराना डेटा अगर हमें वापस से गेन करना है तो हमें क्या करना चाहिए, उस डेटा को मेमोरी में सेव कर लेना चाहिए, और हमें ओवरराइटिंग वाली प्रोसेस है वो हमें स्टॉप कर देनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोग ये होल्ड और सेव मोड से हम लोग यूज कर सकते हैं, कि हम लोग पुराना डेटा है वो क्या कर सकते हैं, किसी एक स्टोरेज में हम लोग सेव कर सकते हैं और वहां पे हम लोग नया डेटा ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी होल्ड एंड सेव बटन से
होती है। तो जब जब भी भी आपका ये आपका बटन बटन प्रेस प्रेस होगा होगा तब तब हमारा हमारा प्रीवियस प्रीवियस सिग्नल सिग्नल पुराना पुराना सिग्नल सिग्नल जो जो होगा होगा वो वो सेव सेव हो हो जाएगा जाएगा एक एक मेमोरी मेमोरी के के अंदर अंदर और और वो वो एक एक लॉक लॉक हो हो जाएगा। जाएगा। ठीक ठीक है, है, तो तो ये ये थे थे हमारे हमारे तीनों तीनों मोड। मोड। सबसे सबसे पहला पहला मोड मोड था था हमारा हमारा रोल रोल मोड। मोड। रोल रोल मोड मोड में में क्या क्या होता होता है, है, एक एक हमारा हमारा फास्ट फास्ट जो जो सिग्नल सिग्नल जा जा रहा रहा होता होता है है वो वो फास्ट फास्ट सिग्नल सिग्नल को को हम हम लोग लोग स्लो स्लो कर कर देते देते हैं। हैं, ठीक ठीक है, है, और और फास्ट फास्ट सिग्नल सिग्नल कहाँ कहाँ से से कहाँ कहाँ की की तोड़ तोड़ जा जा रहा रहा होता होता है, है, राइट राइट से से लेफ्ट लेफ्ट की की ओर ओर जा जा रहा रहा होता होता है। है। ठीक ठीक है, है, तो तो उसको उसको स्लो स्लो करके करके देखने देखने का का काम काम हम हम लोग लोग रोल रोल मोड मोड में में करते करते हैं। हैं। स्टोर स्टोर मोड मोड में में क्या क्या होता होता है, है, डेटा डेटा जो जो होता होता है है वो वो हमारा हमारा स्टोर स्टोर होता होता है है वंस 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 एक एक बार। बार। ठीक ठीक है, है, और और अगर अगर नया नया कोई कोई डेटा डेटा आता आता है है तो तो वो वो पुराना पुराना डेटा डेटा मिट मिट जाता जाता है। है। ठीक ठीक है, है, तीसरे तीसरे मोड मोड में में हम हम लोग लोग क्या क्या करते करते हैं, हैं, तीसरे तीसरे मोड मोड में में होल्ड होल्ड एंड एंड सेव सेव डेटा, डेटा, कि कि हम हम लोगों लोगों को को अगर अगर मान मान लो लो कि कि पुराना पुराना कोई कोई डेटा डेटा लिखने लिखने की की जरूरत जरूरत पड़ पड़ गई गई तो तो वो वो पुराना पुराना डेटा डेटा हम हम लोग लोग सेव सेव करके करके रखेंगे। रखेंगे। वो वो सेव सेव करने करने के के लिए लिए हम हम लोग लोग कौन कौन सा सा बटन बटन यूज यूज करेंगे, करेंगे, होल्ड होल्ड और और सेव सेव बटन। बटन। ठीक ठीक है, है, तो तो ये ये थे थे तीनों तीनों मोड मोड हमारे। हमारे अब अब हमारा हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक टॉपिक है है डीएसओ डीएसओ का का स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशंस स्पेसिफिकेशंस में में देख देख लो, लो, सबसे सबसे पहला पहला है है उसका उसका सैम्पलिंग सैम्पलिंग रेट। रेट। तो तो डीएसओ डीएसओ का का सैम्पलिंग सैम्पलिंग रेट रेट कितना कितना होता होता है, है, 20 मेगा सैंपल्स पर सेकंड मेगा सैंपल्स पर सेकंड पर पर चैनल। चैनल। ठीक ठीक है, है, दूसरा दूसरा स्पेसिफिकेशन स्पेसिफिकेशन है है उसका उसका प्री प्री ट्रिगर। ट्रिगर। प्री प्री ट्रिगर ट्रिगर का का मतलब मतलब क्या क्या होता होता है, है, प्री प्री ट्रिगर ट्रिगर एक एक ऐसी ऐसी चीज चीज है है जो जो अलाउ अलाउ करता करता है है इनपुट इनपुट सिग्नल सिग्नल को को प्रीसीडिंग प्रीसीडिंग टू टू द द ट्रिगर ट्रिगर पॉइंट पॉइंट टू टू बी बी रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड। और और डीएसओ डीएसओ हमारा हमारा ये ये कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड रिकॉर्ड करता करता रहेगा रहेगा जब जब तक तक हमारा हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट कोई कोई ट्रिगर ट्रिगर सिग्नल सिग्नल रिसीव रिसीव नहीं नहीं होता होता है। है। ठीक ठीक है, है, और और जैसे जैसे ही ही हमारा हमारा ट्रिगर ट्रिगर सिग्नल सिग्नल रिसीव रिसीव होगा होगा तो तो वो वो पुराना पुराना जो जो डेटा डेटा है है वो वो पुराना पुराना डेटा डेटा रिकॉर्ड रिकॉर्ड करना करना उसे उसे स्टॉप स्टॉप कर कर देगा। देगा। ठीक ठीक है, है, और और ये ये जो जो प्री प्री ट्रिगर ट्रिगर है है वो वो हम हम लोग लोग सेट सेट कर कर सकते सकते हैं, हैं, 25% ट्वेंटी 50% फाइव और परसेंट 75% फॉर सिंगल शॉट रोल नॉर्मल मोड के लिए। ठीक है, तीसरा उसका स्पेसिफिकेशन है रोल मोड। तो रोल मोड क्या होता है, कि रोल मोड होता है हमारा कि वो हमारा एक डिस्प्ले को वन शॉट या या फिर फिर कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस शॉट शॉट विद विद द द प्री प्री ट्रिगर ट्रिगर ऑफ ऑफ 25% 25% 50% 50% एंड एंड 70% 70% अलाउ अलाउ करता करता है। है। सिंगल सिंगल शॉट। शॉट। सिंगल सिंगल शॉट शॉट क्या क्या होता होता है, है, इट इट अलाउज अलाउज अ अ 0.5 0.5 माइक्रोसेकंड माइक्रोसेकंड सिंगल सिंगल शॉट शॉट डिस्प्ले डिस्प्ले विथ विथ अ अ रिजोल्यूशन रिजोल्यूशन ऑफ ऑफ 10 10 पॉइंट्स पॉइंट्स वन वन डिवीजन डिवीजन विथ विथ प्री प्री ट्रिगर ट्रिगर ऑफ ऑफ 25%25% 50% 50% एंड एंड 75%, 75% एंड एंड इट इट फ्रीजेस फ्रीजेस स्टोर स्टोर एट एट द द एंड एंड ऑफ ऑफ द द ट्रिगर ट्रिगर स्विच। स्विच। ठीक ठीक है, है, इसके इसके अलावा अलावा डिजिटल डिजिटल स्वीप स्वीप रेट। रेट। डिजिटल डिजिटल स्वीप स्वीप रेट रेट क्या क्या होती होती है, है, वो वो होती होती है है डीएसओ डीएसओ के के लिए लिए 0.5 0.5 माइक्रोसेकंड माइक्रोसेकंड पर पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर टू टू 50 50 सेकंड सेकंड पर पर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट उसकी स्पेसिफिकेशन है, वो हमारा RS-232 सीरियल पोर्ट जो होता है उसके साथ इंटरफेस इजीली कर सकता है और साथ साथ में सेंट्रोनिक्स पैरेलल इंटरफेस भी कर सकता है। क्यों, क्योंकि इट हैज IEEE 488 बस इंटरफेस ऑल्सो। ठीक है, साथ साथ में ग्लिच डिटेक्शन भी अवेलेबल है इसके अंदर, है ना। ग्लिच डिटेक्शन का मतलब क्या होता है, कि अगर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव या फिर अल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव कोई ग्लिचेस आते हैं तो वो ग्लिचेस को डिटेक्ट कर सकता है डीएसओ। मतलब हाँ, इसके ये मतलब कोई सिग्नल है उस सिग्नल में आपका कोई ना कोई चीज जो है वो वो आपके आपके कुछ कुछ ना ना कुछ कुछ प्रॉब्लम प्रॉब्लम कर कर रही रही है। है। ठीक ठीक है, है, वो वो प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स को को डिटेक्ट डिटेक्ट करने करने का का काम काम भी भी डीएसओ डीएसओ कर कर सकता सकता है, है, क्योंकि क्योंकि उसके उसके स्पेसिफिकेशन स्पेसिफिकेशन में में अवेलेबल अवेलेबल है। है। और और वो वो ग्लिच ग्लिच कहाँ कहाँ तक तक उस उस एडप्ट एडप्ट कर कर सकता सकता है, है, कहाँ कहाँ तक तक कैप्चर कैप्चर कर कर सकता सकता है, है, वो वो कर कर सकता सकता है है 100 नैनो सेकंड तक की विड्थ तक का ग्लिच जो है वो कैप्चर कर सकता है। नेक्स्ट है उसका स्पेसिफिकेशन ट्रिगर कपलिंग। देखो, ट्रिगर ट्रिगर कपलिंग कपलिंग का का मतलब मतलब क्या क्या है, है, कि कि ट्रिगर ट्रिगर कपलिंग कपलिंग में में हम हम लोग लोग दो दो कपलिंग कपलिंग देखेंगे, देखेंगे, दो दो नहीं नहीं है, है, चार चार है, है, डीसी डीसी कपलिंग, कपलिंग, एसी एसी कपलिंग, कपलिंग, एचएफ एचएफ रिजेक्ट रिजेक्ट और और एलएफ एलएफ रिजेक्ट, रिजेक्ट, ये ये चारों चारों चीज चीज हम हम लोग लोग देखेंगे। देखेंगे। तो तो ट्रिगर ट्रिगर सिग्नल सिग्नल जब जब भी भी हमारा हमारा प्रोसेस प्रोसेस होता होता है, है, ठीक ठीक है, है, वो वो प्रोसेस प्रोसेस कब कब होगा, होगा, बिफोर बिफोर अप्लाइंग अप्लाइंग टू टू द द ट्रिगर ट्रिगर कंपैरेटर। कंपैरेटर। ठीक ठीक है, है, तो तो हमारे हमारे पास पास कुछ कुछ कपलिंग्स कपलिंग्स हैं, हैं, जैसे जैसे डीसी डीसी कपलिंग कपलिंग है। है। तो तो डीसी डीसी कपलिंग कपलिंग हमारी हमारी क्यों क्यों यूज यूज होती होती है, है, इट इट इज इज यूजफुल यूजफुल फॉर फॉर लो लो फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंसी और और लो लो रिपीटेशन रिपीटेशन रेट रेट सिग्नल्स। सिग्नल्स। एसी एसी कपलिंग कपलिंग हमारी हमारी क्यों क्यों यूज यूज होती होती है, है, वो वो यूजफुल यूजफुल होती होती है है इन इन व्यूइंग व्यूइंग लो लो लेवल लेवल सिग्नल्स सिग्नल्स दैट दैट
एंड इट इज यूजफुल फॉर व्यूइंग लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल हैविंग हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज। और LF रिजेक्ट का मतलब क्या होता है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को रिजेक्ट कर देता है। और ये LF रिजेक्ट हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें इट इज यूज टू रिड्यूस जिटर ड्यू टू लो फ्रीक्वेंसी नॉइज इन द ट्रिगर सिग्नल लाइक पिकअप, ठीक है। और लास्ट है उसका इट सपोज द कर्सर मूवमेंट। तो ये थी DSO के स्पेसिफिकेशंस। अब कुछ एक्विजिशंस मेथड है। देखो एक्विजिशंस का मतलब क्या होता है, अधिग्रहण करना, किसी भी चीज को वहां से ग्रहण करना, ठीक है, अधिग्रहण करना, वो होता है एक्विजिशन। तो उसकी कुछ मेथड्स हैं। तो देखो डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप में कुछ भी सिग्नल को स्टोर करने के लिए, सिग्नल को कैप्चर करने के लिए हम लोग मेथड्स का यूज करते हैं। तो उसकी एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग, मतलब सिग्नल की एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास तीन डिफरेंट टाइप की एक्विजिशंस मेथड है। कौन सी, सबसे पहली मेथड है हमारी रियल टाइम सैंपलिंग, दूसरी मेथड है हमारी रैंडम रिपीटेटिव सैंपलिंग मेथड, तीसरी हमारी सिक्वेंशियल रिपीटेटिव सैंपलिंग मेथड। तो ये है मेथड्स ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। तो रियल टाइम सैंपलिंग क्या होता है, तो देखो सॉरी, ये मेथड के अंदर जब आपका सिग्नल ट्रिगर होता है, ठीक है, ट्रिगर होता है और रिकॉर्ड जो है वो आपकी कंप्लीट होती है ऑफ NM सैंपल के साथ, साइमल्टेनियसली हर एक चैनल पे, ठीक है, DSO की हर एक चैनल पे वो चीज कैप्चर होती है। और उसके बाद क्या होता है कि वेवफॉर्म आपको रिकॉर्डेड सैंपल के साथ आपको स्क्रीन पे दिखाई देता है। तो ये मेथड का इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि इट डिस्प्लेस एंड एनालाइज ऑफ वेवफॉर्म कैन बी कैरिड आउट एट द लार्जर स्टेज, ठीक है। यानी कि अगर हम लोगों को बाद में भी वो सिग्नल देखना हो तो हम लोग होल्ड एंड सेव बटन हम लोग यूज करके क्या कर सकते हैं, उस सैंपल को, रियल टाइम सैंपल को हम लोग सेव कर सकते हैं मेमोरी के अंदर और उसको हम लोग बाद में उस चीज को देख सकते हैं, उसे एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये जो रियल टाइम सैंपलिंग मेथड होती है वो मेथड हमारी ट्रिगर इवेंट जब होती है, ठीक है, जब भी हम लोग पल्सिस को ट्रिगर करते हैं वो ट्रिगर को हम लोगों को इजीली कैप्चर करना हो तो हम लोग रियल टाइम सैंपलिंग मेथड का यूज कर सकते हैं। तीसरा उसका एडवांटेज क्या है, तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि साइमल्टेनियस कैप्चर ऑफ मल्टीपल सिग्नल इज ऑटोमेटिक, ठीक है। अगर आपके मल्टीपल सिग्नल आ रहे हैं जब भी आप ट्रिगर कर रहे हैं तब वो मल्टीपल सिग्नल्स को ऑटोमेटिकली क्या करेगा, कैप्चर करता रहेगा, है ना। तो हर एक वेवफॉर्म जो एक सिंगल एक्विजिशन साइकिल से कैप्चर्ड हुआ है वो एक रियल टाइम सैंपलिंग मेथड से यूज करके हमने उसे सेव किया है, वो एक रियल टाइम सैंपल है। रियल टाइम सैंपल का मतलब क्या है, उस टाइम पे जिस टाइम पे आपने सिग्नल को जनरेट किया, जिस टाइम पे आपने सिग्नल को ट्रिगर किया, ठीक है। तो ये जो मेथड है वो हमारी लार्ज मेमोरी यूज करती है और साथ साथ में ये हमारी फास्ट सैंपलिंग रेट भी यूज करती है, ठीक है। और फास्ट सैंपलिंग रेट जो है वो हमारी हर एक सिग्नल को, लॉन्ग टाइम इंटरवल के सिग्नल को भी कैप्चर करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा रियल टाइम सैंपलिंग मेथड। इसमें और भी काफी चीजें हैं, जैसे कि देखो अगर हमारा यहाँ पे अगर हमारा सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी वो एग्जैक्टली ट्वाइस है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से तो वो सैंपलिंग को हम लोग क्या कहेंगे, नाइक्विस्ट क्राइटेरिया। और सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी का आधा, ठीक है, जिसे हम लोग कहेंगे नाइक्विस्ट लिमिट, या फिर आप कह सकते हैं नाइक्विस्ट क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, जिसे हम लोग एफसी से डिनोट करेंगे। तो कोई भी सिग्नल कंपोनेंट जो हमारी ये जो फ्रीक्वेंसी है एफसी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी कंज्यूम करता है तो उस दौरान जो हमारी ट्रांसलेटेड टू फ्रीक्वेंसी बिटवीन होगी डीसी और एफसी,
इस चीज को हम लोग क्या कहेंगे, अलाइजिंग कहेंगे। क्या कहना चाहता है, मान लो कि सिग्नल का कोई गैप है एफसी प्लस डेल्टा और अलाइज है हमारा एफसी माइनस डेल्टा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस किस किसके बीच का, डीसी का और एफसी का, डीसी और एफसी, एफसी का मतलब नाइक्विस्ट क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, तो वो डेल्टा जो है वो हमारा लेस देन होगा एफसी से, ठीक है। ओके जैसे कि यहाँ पे 3 डेसिबल की बैंडविड्थ आपको वर्टिकल एम्पलीफायर में अगर हमारी है तो वो मस्ट भी लेस देन होनी चाहिए एफसी से, यानी कि नॉर्मली FS/4 होनी चाहिए विद दी 5% ऑफ ओवरशूट। यहाँ पे FS क्या आपका सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है जो आप लोगों को एक सैंपल के तौर पे लेनी है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सिंपल आपकी जो FC है ना वो ग्रेटर देन होनी चाहिए, जो भी आपने सैंपल फ्रीक्वेंसी के तौर पे आपने सैंपल लिया हुआ है उसका 1/4 हिस्सा विद 5% ओवरशूट, ठीक है। दूसरा है हमारा रैंडम रिपीटेटिव सैंपलिंग। तो रियल टाइम सैंपलिंग में क्या होता है कि बैंडविड्थ जो होती है वो लिमिटेड हो जाती है 2 FS/4, तो ये सब रियल टाइम डेटा को एक मेजर ड्रॉबैक है कि हम लोग ये जो बैंडविड्थ है ना इसको हम लोग इंक्रीज नहीं कर सकते बस, तो हमें जरूरी है कि ये चीज हम लोग इंक्रीज करें। तो इस बैंडविड्थ को इंक्रीज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं रैंडम रिपीटेटिव सैंपलिंग मेथड का, ठीक है। तो रिपीटेड रियल टाइम डेटा जो होता है, एक्विजिशन साइकिल जो होती है, वो हम लोग क्या करते हैं सैंपलिंग मेथड से हम लोग उस चीज को ले लेते हैं, और हर एक जो सैंपल वैल्यू लेते हैं वो हमारी एक डिस्प्ले डिस्प्ले जिस जो हमारी डॉट के तौर पे हम लोग उसे डिस्प्ले करते हैं वो हर एक सैंपल के लिए इंडिपेंडेंट होती है। इसका मतलब क्या है, अगर मान लो कि एक पॉइंट आपका यहाँ पे है तो एक ये आपने सैंपल रेट से आपने कलेक्ट किया डेटा, ठीक है, दूसरा कलेक्ट करेंगे आप यहाँ से, तो ये दोनों को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ये दोनों डॉट को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा कि सैंपल्स जो है वो इंटरपोलेटेड नहीं होंगे, है ना। जैसे देखो फिगर आपको दिखा रहे हैं, जैसे ये इनपुट है तो ये आपने एक सैंपल लिया यहाँ पे, दूसरा सैंपल लिया यहाँ पे, तीसरा सैंपल लिया यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ऐसे आपने आपने क्या लिया सैंपल लिए, आपने ट्रिगर कब किया, लेकिन ट्रिगर पल्स लेके ट्रिगर कब किया इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपने क्या किया उसे ट्रिगर किया। ओके तो ये जो दो पॉइंट थे ट्रिगर पॉइंट वाले दो पॉइंट, ये पॉइंट एक दूसरे से क्या होंगे इंडिपेंडेंट होंगे, कोई लेना देना एक दूसरे से नहीं होगा। तो आप एक रैंडम टाइम इंटरवल टीडी प्रोड्यूस कर रहे हैं बिटवीन द ट्रिगर पॉइंट और सैंपल क्लॉक के बीच में, तो ये जो टाइम बिटवीन आ रहा है सैंपल फ्रॉम कैप्चर्ड इज TS और TD, TS और TD, तो ये TS और TD का अगर हम लोग डिफरेंस लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक रैंडम रिपीटेटिव सैंपल मिलेगा जो हमारा आगे RTS और TD का जो डिफरेंस है वो आगे शायद रिपीट हो सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा क्या था, रैंडम रिपीटेटिव सैंपलिंग। तीसरा है हमारा सिक्वेंशियल रिपीटेटिव सैंपलिंग, ठीक है। ऑसिलोस्कोप में क्या होता है कि हायर बैंडविड्थ जैसे कि 20 से लेकर 50 GHz, ये जो होती है वो हमारी फास्ट स्वीप करनी चाहिए, लेकिन रैंडम रिपीटेटिव सैंपलिंग अगर हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं तो हमें एक सेटिस्फेक्टरीली वर्क नहीं मिलता है हर एक केस में, है ना। हम लोग जैसे कोई सिग्नल जा रहा है, कोई सिग्नल जा रहा है, तो मान लो कि यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से सैंपल ले लिया हमने, 1 2 3 4 5 6 ऐसे सैंपल ले लिए इसके, ठीक है। तो ये रैंडमली हमने कोई सैंपल लिया, मान लो कि यहाँ से लेके हमने यहाँ तक गिना, ठीक है, TS और TD का डिफरेंस ले लिया, लेकिन आगे जाके हमने यहाँ पे ले लिया TS और TD का डिफरेंस ले लिया, तो पॉसिबल है कि ये किस्से में और ये किस्से में आपका TS और TD का जो डिफरेंस है वो सेम आ जाए, पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहाँ पे देखो सैंपल जो हमने लिए वो रैंडमली लिए हुए हैं, है ना। लेकिन सिक्वेंशियल रिपीटेटिव में क्या होगा,
अगर मान लो कि आपका सिग्नल जो है वो ज्यादा हायर बैंडविड्थ का है, हायर बैंडविड्थ का जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है 20 से 50 गीगाहर्ट्ज का, तो उस टाइम पे आपका रैंडम रिपीटेटिव सैम्पलिंग मेथड एक सेटिस्फैक्टरी वर्क नहीं करेगी हर एक केस के अंदर। तो ये एक डिसएडवांटेज हो गया रैंडम रिपीटेटिव सैम्पलिंग मेथड का। तो उसको हम लोग ओवरकम करने के लिए हमने इजाद करी सिक्वेंशियल रिपीटेटिव सैम्पलिंग मेथड। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग एक सैंपल वैल्यू लेते हैं जो हमारी हर एक ट्रिगर इवेंट के कारण, हर एक ट्रिगर इवेंट में हम लोग उसे सैंपल के तौर पे ले लेते हैं, और उसे एक टाइम डिले के नाम पे हम लोग एक डिनोट कर देते हैं कि ये कंट्रोल टाइम डिले है टी डी एस आफ्टर द ट्रिगर पल्स, जैसे आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा है। ठीक है, कि आपने ट्रिगर पल्स तो दिया है इस पॉइंट पे, इससे यहां से लेके इस पॉइंट तक, लेकिन लेकिन आपने जो सैंपल क्लॉक दिया वो सैंपल क्लॉक लिया आपने उसके आगे वाला पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट। ठीक है, तो कैप्चर कौन सा पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, जब आपने सैंपल क्लॉक दिया वो वाला पॉइंट। तो आफ्टर ईच कैप्चर कि आपका जो डिले जो है, डिले कौन सा वाला कि आपका ट्रिगर पल्स और ये जो इनपुट है इस बीच का डिफरेंस, ये टीडीएस, वो टीडीएस आपका इंक्रीज होता जाएगा बाय अ स्मॉल अमाउंट, और एक सिंगल एक्विजिशन साइकिल जो है वो रिपीट होगी। जब कब रिपीट होगी, टिल द एंटायर वेव फॉर्म, जब तक आपका एंटायर वेव फॉर्म आपका प्लॉट नहीं हो जाता तब तक ये आपका सिंगल एक्विजिशन साइकिल है वो रिपीट रहेगी। इसका मतलब क्या है कि टीडीएस जो है वो थोड़ा थोड़ा सा बढ़ता जाएगा। ठीक है, और ये मेथड जो है ये हमारी यूज नहीं हो सकती फॉर कैप्चरिंग ट्रिगर इवेंट और एनी प्री ट्रिगर इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये मेन ड्रॉबैक था मेथड का, जहां पे हम लोग प्री ट्रिगर डिस्प्ले को हम लोग देख नहीं सकते, और इट कैन बी ओनली यूज इन माइक्रोवेव बैंडविड्थ डिजिटल ऑसिलोस्कोप। तो ये जो मेथड है हमारी सिक्वेंशियल रिपीटेटिव सैम्पलिंग मेथड, ये हम लोग हायर बैंडविड्थ के लिए ही यूज कर सकते हैं। इसका मतलब जो भी आपके माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव आपके सिग्नल्स है, उसके लिए ही यूज हो सकती है। ठीक है, अब डीएसओ में आपका ऑटोमेटिक मेजरमेंट भी होना चाहिए। तो सिग्नल जब भी आप डीएसओ के थ्रू आप कंप्यूटर में देते हैं, तो कंप्यूटर जो है वो आपका ऑटोमेटिकली उस डेटा को स्टोर करना चाहिए। तो उसके लिए कुछ मेथड्स है, कौन सी ऑटोमेटिक मेजरमेंट हम लोग यूज कर सकते हैं, तो कैलिब्रेशन यूज कर सकते हैं, ऑटो स्केल यूज कर सकते हैं, सिंपल मेजरमेंट यूज कर सकते हैं, या फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है वो भी हम लोग ऑटोमेटिकली मेजरमेंट कर सकते हैं। तो एक एक करके हम इन सारी चीजों को देखते हैं। सबसे पहला है कैलिब्रेशन। तो कैलिब्रेशन क्या होता है कि डिजिटल ऑसिलोस्कोप यानी कि डीएसओ में जो कैलिब्रेशन की एबिलिटी होती है किसी भी मेजरमेंट को परफॉर्म करने के लिए या फिर रिजल्ट को एनालाइज करने के लिए, वो ऑटोमेटिकली होती है। ठीक है, कैलिब्रेशन वाली प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटिक होती है आपके डीएसओ में, वो तो आप सभी को पता है। ओके, तो कैलिब्रेशन का मतलब क्या होता है, कैलिब्रेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो कंपेयर करती है इंस्ट्रूमेंट वैल्यू को विथ द स्टैंडर्ड वैल्यू, और कंपैरिजन की प्रोसेस जो होती है वो क्या इन्वॉल्व करती है, लॉट ऑफ टाइम और सेवरल एडजस्टमेंट ऑफ कैलिब्रेशन ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो डीएसओ में क्या है कि ऐसी ऑटोमेटेड प्रोसेस एम्प्लॉय करी होती है, पहले से दे रखी होती है कि वो डायरेक्टली एम्बेडेड कंट्रोलर को क्या कर सके, कैलिब्रेट कर सके, और साथ साथ में इट मेजर्स एंड एनालाइज द रिस्पॉन्स ऑफ विद द स्टैंडर्ड सिग्नल ऑटोमेटिकली। ओके, और ये जो सिग्नल्स है ये आपके मेमोरी में स्टोर हो जाए आफ्टर द कैलिब्रेशन। ओके, और ये जो मेमोरी है वो नॉन वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या है कि इट रिटेन्स द सिग्नल इवन आफ्टर द पावर सप्लाई इज स्विच ऑफ, यानी कि जैसे आप हमारे कंप्यूटर होता है, ठीक है, कंप्यूटर में आपने कोई काम किया, जैसे आप कुछ वर्ड पेज में काम कर रहे हैं, वर्ड पेज में काम करके आपने सेव कर दिया, सेव करने के बाद मान लो कि आपका लाइट चली गई, ठीक है, तो आप तो समझेंगे कि ये तो एक क्या है कि चला जाएगा, लेकिन एक्चुअली में जो डेटा है वो रोम में स्टोर होता है, आर ओ एम, रीड ओनली मेमोरी में। ठीक
ठीक है। और रीड ऑनली मेमोरी क्या होती है? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। इसका मतलब जो भी डेटा आप रोम में सेव करते हैं वो डेटा आपका सेव रहता है, वो डेटा आपका कहीं भी डिलीट नहीं होता है। सिमिलर आपका जो ये डीएसओ के अंदर की जो मेमोरी है वो भी आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। और नॉन वॉलेटाइल होने के कारण क्या है कि मैनुअल इंटरनल जो एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ती है फॉर दी वॉलेटाइल मेमोरी, वो हमारी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। वॉलेटाइल मेमोरी का क्या होता है कि रैम, रैम कैसी होती है कि आपने वर्क किया, आपका काम खत्म हो गया, आपका कंप्यूटर मान लो स्विच ऑफ हो गया, वापस चालू हुआ, तो रैम क्या होगी, रैम में जो भी डेटा होगा वो डिलीट हो जाएगा, आप उसको वापस से नहीं देख पाएंगे। तो यही फर्क है वॉलेटाइल मेमोरी और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में, ठीक है। तो डीएसओ में हमारी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी यूज होती है, ठीक है। कुछ कुछ ऑसिलोस्कोप होते हैं वो हमारे रेफरेंस सिग्नल के साथ, हम रेफरेंस सिग्नल सोर्स के साथ क्या होते हैं, बिल्ड किए जाते हैं, बिल्ड किए जाते हैं। तो ये जो इंस्ट्रक्शन होती है कैलिब्रेशन वाली मेन्यू, तो कैलिब्रेशन पहले से ही डन किया जाता है डीएसओ के अंदर, ठीक है, ताकि क्या हो सके कि डीएसओ की जो कैलिब्रेशन वाली कॉस्ट थी, मतलब आपको उसको कैलिब्रेट करना है डीएसओ को, तो आपकी वो कॉस्ट क्या हो सकती है, कम हो सकती है, ठीक है। दूसरा ऑटोमेटिक मेजरमेंट है उसका ऑटो स्केल। तो एक फ्रंट पैन डिजिटल डीएसओ में एक स्विच अवेलेबल होती है, कौन सी, ऑटो स्केल वाली। तो जब भी आप ये ऑटो स्केल को एक्टिवेट करते हैं तो ऑसिलोस्कोप जो होता है वो उसकी हर एक चैनल को स्कैन करता है, और स्कैन करता है फॉर द एक्टिव सिग्नल, कि कुछ कोई चैनल पे कोई एक सिग्नल एक्टिव तो नहीं है, वो स्कैन करता है। अगर कोई सिग्नल आपका एक्टिव है तो क्या करेगा, वो चैनल से, वो सिग्नल में से कुछ डेटा, कुछ साइकिल, सम साइकिल्स वो हमारी वो डिस्प्ले पे हमें दिखाएगा, ठीक है, और ऑटोमेटिकली उसे स्केल करेगा, हमें उसे स्केल करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो सिग्नल है ये एक्सट्रीमली यूजफुल होता है इन द केस ऑफ सिग्नल हुज फ्रीक्वेंसी, डीसी ऑफसेट, एम्पलीट्यूड, पीक वैल्यू एक्सेट्रा आर अननोन। तो ऑटो स्केल का आप लोग यूज तभी कर सकते हैं जब आपको उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ना पता हो, उसका डीसी ऑफसेट ना पता हो, उस सिग्नल का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या है, पीक वैल्यू क्या है वो ना पता हो, तब आप ऑटो स्केल का यूज करके आप लोग क्या कर सकते हैं, उस सिग्नल की ये सारी चीजें आप लोग वहां से पता कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड है मेजरमेंट, ठीक है, थर्ड है मेजरमेंट। तो सिग्नल्स के कुछ पैरामीटर होते हैं जैसे कि एम्पलीट्यूड हो गया, उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, पीक टू पीक वैल्यू हो गई, पीरियड्स हो गए, ठीक है, वो हम लोग इजीली हम लोग कंप्यूट कर सकते हैं और डीएसओ पे, क्योंकि हमें हमारे पास डिस्प्ले स्क्रीन अवेलेबल है। लेकिन लेकिन कुछ कुछ टाइम पे ऐसा होता है कि मेजरमेंट है वो मेजरमेंट हमारी लॉट ऑफ कैलकुलेशन को इन्वॉल्व करती है, तो हमें क्या करना, हमें उस चीज को गिनना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ऑल्सो ये जो मेजरमेंट है वो आपका रिपीटेड रहती है कंटिन्यूअसली बाय वेयरिंग द सिग्नल। हाउएवर डीएसओ का यूज हम लोग पैरामीटर का मेजरमेंट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, जो कि प्री प्रोग्राम्ड होता है। जैसे कि हमारे सैंपल स्टोर में से कोई, मेमोरी में से कोई पैरामीटर हमारा पहले से ही कैलकुलेटेड है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं मेजरमेंट के लिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि टाइम भी बचता है हमारा, और टाइम बचता है और हम लोग क्या है, इजीली हम लोग उसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा पुराना डेटा जो है वो पहले से ही अवेलेबल है, और वही डेटा यूज करके हमें न्यू डेटा निकालना है, सिंपल। तो जो पुराना डेटा हमारा पहले से ही पड़ा हुआ है तो उसको वापस से गिनना एक बेवकूफी होगी, है ना, इसीलिए पुराने डेटा को हम लोग यूज करके नया डेटा फाइंड आउट करते हैं, ताकि क्या हो सके, हमारा खूब टाइम बन सके, बच सके, ठीक है। तो डीएसओ के अंदर हम लोग क्या क्या, कौन से पैरामीटर को हम लोग मेजर कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे दे रखे हैं, पीक टू पीक वोल्टेज, एवरेज वोल्टेज क्या है, आरएमएस वोल्टेज क्या है, मिनिमम वोल्टेज क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज क्या है, डेल्टा टाइम क्या है, उस सिग्नल की ड्यूटी साइकिल क्या है, नेगेटिव पल्स विड्थ कितनी है,
पॉजिटिव पल्स वेव कितनी है, उस सिग्नल का फ्रिक्वेंसी कितना है, कितने पीरियड के लिए वो अवेलेबल है, उसका राइज टाइम कितना रहेगा, फॉल टाइम कितना रहेगा, ओवरशूट कितना परसेंटेज है उसके अंदर। तो ये सारी चीजें हम लोग डीएसओ के अंदर क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली गिन सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन सब की जो रेफरेंस है वो पहले से ही डीएसओ के अंदर स्टोर करी हुई है, ठीक है, प्री प्रोग्राम करी हुई है वहां पे, ठीक है। लास्ट है उसका मेजरमेंट में मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो कुछ कुछ टाइम क्या होता है कि हमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करने होते हैं किसी भी सैंपल रिकॉर्ड के डेटा को, है ना। सिग्नल सिंगल चैनल पे अगर कोई डेटा आ रहा है तो उसमें कुछ कुछ ऐसी चीज होती है कि हमें उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करनी पड़ती है, जैसे कि उस डेटा का इन्वर्जन, उसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना, डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना, फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना, ठीक है। तो ये सारी चीज का हमें क्या करना पड़ता है, हमें हैंड रिटर्नली हमें उसे गिनना पड़ता है, ठीक है। सो हमें डीएसओ में एक ऐसी भी चीज चाहिए ना कि वो डायरेक्टली हमें उसका इंटीग्रेट करके दे, डायरेक्टली हमें उसका इन्वर्जन करके दे, डायरेक्टली उसका डिफरेंशिएशन करके हमें दे। तो हम लोग क्या करते हैं, सिग्नल को है दो चैनल के सिग्नल को हम लोग ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उससे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से, और उससे डिवाइड भी कर सकते हैं, और रिजल्टेंट जो डेटा है वो डेटा हम लोग स्क्रीन पे डिस्प्ले पे हम लोग देख सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिक मेजरमेंट होती है डीएसओ के अंदर। आप दो चैनल पे दोगे आप सिग्नल, तो दोनों चैनल पे आपने मान लो कि कंपेयर करवाया, आपने क्या करवाया, आपने ऐड करवाया एक दूसरे को, आपने सब्ट्रैक्ट करवाया, आपने मल्टीप्लाई करवाया दोनों सिग्नल को, आपने क्या करवाया, इंटीग्रेट करवाया, आपने क्या करवाया, डिवाइड करवाया। तो ये सारी जो फैसिलिटीज है वो आपको मैथमेटिकली मान लो कि आपको हाथ से गिननी पड़ रही है, तो आपका टाइम वेस्ट है। लेकिन डीएसओ में पहले से प्री प्रोग्राम है, आपको पहले से ही मिलता है, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट आप चैनल पे देंगे और डायरेक्टली आप उसका रिजल्टेंट स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। सो ये कुछ डीएसओ के मोड्स ऑफ ऑपरेशन थे, स्पेसिफिकेशन थे, साथ साथ में हमने एक्विजिशन मेथड्स देख ली, और ऑटोमेटिक मेजरमेंट में क्या क्या चीज अवेलेबल है वो भी डीएसओ में हमने देख लिया, ठीक है। सो इसी के साथ आज का जो ये हमारा लेक्चर है वो हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जब लोग मिलेंगे तब हम लोग आगे का टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।